गंदगी और बदबू से इंदिरा कॉलोनी के निवासी परेशान। नगर निगम और पार्षद से गुहार पर नहीं निकाला समाधान। इंदिरा कॉलोनी में शिव मंदिर के पीछे फैली गंदगी से स्थानीय निवासी बहुत परेशान हैं। यहां रह रहे लोग गंदगी एवं बदबू में रहने को मजबूर हैं। शिव मंदिर के पीछे चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा बिखरा पड़ा हुआ है और आवारा पशु वहां पर आकर उसी गंदगी में अपना भोजन ढूंढ रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि हमने कई बार इस समस्या को लेकर नगर निगम के अधिकारियों और पार्षद को इसकी सूचना दी, लेकिन हमारी समस्या सुनने को कोई राजी नहीं है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अजीत झा की रिपोर्ट। नमस्कार नमस्कार साथियों, मेरा नाम क्रांति शुक्ला, समस्या समाधान टीम चंडीगढ़ से। हमारे साथ सुलेख चंजान जी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन, और ये कॉलोनी की महिलाएं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक यहाँ की एक सबसे गंभीर समस्या के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं कि इस समय देश अगर कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है तो यह भी एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है जो कि कैंसर का कारण बन रही है। आप मेरे सामने आप देख रहे हैं कि कैसे पशु ही आकर के इन बीच में आकर के इस कूड़े को खा रहे हैं, कैसे गाय वो पॉलिथीन को खा रही है, और देखिए पीछे कूड़े का अंबार देखिए कितना लगा हुआ है। हम किस स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, हम कौन से स्वच्छ कॉलोनी स्वस्थ कॉलोनी की बात करते हैं? आज हमारी इंदिरा कॉलोनी इस स्वच्छता की चपेट में आ रखी है। क्या निगम के अधिकारियों को, क्या हमारे नेताओं को, क्या हमारे स्थानीय काउंसलर्स को यह जगह नहीं दिखाई देती? यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं बेचारी परेशान हैं। बारिश हो जाए तो यहाँ से निकलना दूभर हो जाता है। यहाँ के स्थानीय घरों के अंदर इतनी गंदी बदबू जा रही है कि ये स्थानीय निवासी बहुत परेशान है। हमारे बीच में जैन साहब हैं, आपको इसके बारे में काफी अच्छे से बताएंगे। जैन साहब बताओ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं सुलेख चंद जैन, चेयरमैन वेलफेयर एसोसिएशन इंदिरा कॉलोनी और पब्लिक हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या के बारे में हम काउंसिल से लेकर कमिश्नर तक मिल चुके हैं, लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं होया है। आप सामने देख रहे हैं कैसे इसको पशु खा रहे हैं, कैसे इसको मतलब हो रहा है, एक गंभीर बीमारी का कारण बनी हुई है। और सामने रहने वाले लोग, जो इस कूड़े के सामने लोग रह रहे हैं, उसमें काफ़ी लोग बीमार हैं जो कभी भी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी आपसे बेनती है कि इसको आपके माध्यम से इसको मतलब हटाया जाए, इसको साफ करवाया जाए और ये बीमारी फैलने से रोका जाए, और ये जो आवारा पशु हैं इनको उठाया जाए ताकि हमें गोबर की समस्या से और जो पोल्ट्री गायें खा रही हैं इस समस्या से हमें मतलब निजात पा सकिए। धन्यवाद। एक लेडीज का ले लो। नमस्कार दोस्तों, इनके ये देखिए, ये इंदिरा कॉलोनी में शिव मंदिर के साथ में ही यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा पड़ा है, और यहाँ पे सभी गाय आकर के प्लास्टिक खाते हैं जिससे इनको बीमारियाँ होती हैं, और यहाँ पे सभी आँख बंद करके जाते हैं। बड़े बड़े जो पार्षद हैं वो भी इस एरिया के जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं इंदिरा कॉलोनी निवासी, मैं भी आप लोगों के समक्ष ये बोलना चाहता हूँ, ये देखिए, हम लोग कोरोना से लड़ने के लिए और कोरोना से बचने के लिए अपने घरों में तो हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर हमें ये सब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। समय समय पर यहाँ समस्या समाधान टीम और एनजीओ के थ्रू यहाँ पे सफाई करा दी जाती है, लेकिन यहाँ के पार्षद एक बार भी नहीं देखते कि यहाँ मंदिर है और मंदिर के पीछे ये नाले बह रहे हैं और इतना गंद मचा पड़ा है। मैं चंडीगढ़ प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो डस्टबिन रखा हुआ है ये तो मंदिर के साथ में रखा हुआ है, इसको कहीं और रखा जाए, और ये जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है इसको जल्द जल्द साफ किया जाए। धन्यवाद। इन्ना कॉलोनी का गंद, सारी कॉलोनी का गंद उरे गेरिया जाता है, इन चक्या जाए,
ना कोई पार्षद इतने आन के देख रहा, ना कोई आम पब्लिक के जेडे बड़े बड़े मेहरबान है वो भी इतने ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि यहाँ मुंह मीच के निकल जाते हैं। पास वाले घरों में इतनी गंदगी, यहाँ भी नहीं आता है, कूड़े के ढेरों के आग लगा दी जाती है, उसका गंद पास वाले घरों में इतनी परेशानी हो रखी है, कोई यहाँ हेल्थ वाला कोई ध्यान नहीं दे रहा, यहाँ ना कोई, यहाँ बड़े बड़े बंदे हैं वो पूरा ध्यान नहीं दे रहे, यहाँ से मुंह मीच के निकल जाते हैं, ये नहीं बोल सकते यहाँ से कूड़ा उठाया जाए, यहाँ क्यों गिरा जाता है कूड़ा, और कौन बोलना चाहता है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, इतनी गंद मिट्टी पड़ी बेगंदगी, यहाँ से बदबू होती घरों में भी जाकर। और जो बोलना चाहते आगे आओ, कितनी बार कंप्लेंट भी करी है, कितनी बार बोला लेकिन कोई नहीं सुनता, घर में बदबू इतनी जाती है ना, बच्चों के बीमार होने का भी खतरा है, कोई नहीं सुनता, कोई भी कोरोना बोल रहे हैं, कोरोना तो यहाँ से ही फैलेगा, इधर से फैलेगा, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों की परेशानियां सुनी, कि अगर हमें देश के अंदर स्वच्छता रखनी है तो हमें इन सब चीजों से निजात हमें दिलानी चाहिए, और मैं इस वीडियो के माध्यम से अधिकारियों से लेकर के सभी नेताओं से अपील करता हूं कि इस समस्या को जल्द से जल्द हल करें, नहीं तो यहां की स्थानीय जनता यहां आकर के धरने पर बैठेगी, आपके दफ्तर आकर के सारा आपके दफ्तर फैला जाएगा। बारिश के निकलने से पहले ग्रुप निकलते हैं।